सरोकार। जापान के पीएम के साथ मोदी ने लस्सी बनाई, किशिदा के साथ दिल्ली में गोलगप्पे भी खाए, मोदी को G7 समिट का न्योता दिया। राहुल गांधी ने कर्नाटक सरकार पर कसा तंज, बोले कर्नाटक में 40% कमीशन वाली सरकार ये देश किसी एक का नहीं है। टीएमसी का कांग्रेस पर हमला, कहा राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में 2 बार भाजपा का मुकाबला करने में असफल रहे। अधीर रंजन चौधरी का ममता पर वार, कहा ममता दीदी का सबसे बड़ा मकसद पीएम मोदी को खुश करना। प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, बोले 2024 में बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता कभी काम नहीं करेगी क्योंकि यह अस्थिर और अलग है। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अस्मानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों की ओर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोंडा जाएंगे, जहां सीएम गोंडा समेत देवीपाटन मंडल के चारों जिलों के अफसरों के साथ मंडलीय समीक्षा बैठक भी करते हुए नजर आएंगे और विकास योजना की हकीकत को भी परखेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर उसकी प्रगति का भी जायजा लेंगे। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री करीब 2.5 घंटे तक जिले में रहेंगे और निरीक्षण के साथ विकास कार्यों की समीक्षा के बाद वो मीडिया कर्मियों से बात भी करेंगे और सीएम योगी के दौरे को लेकर प्रशासन ने भी अब तैयारियां पूरी कर ली हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए जो प्रशासन है उसने भी कमर कस ली है, यानी प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद हो गया है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करते हुए भी नजर आएंगे और विकास कार्यों का भी जायजा लेंगे। लखनऊ में यूपी एसजीवीबीएल की वार्षिक निकाय बैठक आज होगी, वही इस बैठक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगी। इस बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल होंगे, साथ ही सहकारिता मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में 26,334 बेड बढ़ाए जाएंगे, इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और अधीक्षकों को इसके निर्देश दिए हैं। वहीं अस्पतालों में बेड बढ़ाने की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी कर ली जाएगी। इस दौरान आने वाली अड़चनों के संबंध में भी निदेशालय को रिपोर्ट भेजी जाए ताकि समस्या का समाधान कराया जा सके। उन्होंने बढ़े हुए बेडों के अनुसार डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की जरूरतों पर अलग से रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए संसाधनों का विकास किया जा रहा है। खबर औरैया से है, जहां मंगलम गेस्ट हाउस में टीटी कंपनी द्वारा व्यापार मेले का आयोजन किया गया, जहां टीटी कंपनी के हेड सेल्स ऑफिसर जितेंद्र शर्मा ने बताया कि हमारी कंपनी सीधे सीधे किसानों से कपास खरीदकर सूत बनाती है और सूत से फाइबर और फाइबर से गारमेंट बनाने का काम भी खुद ही करती है। इस दौरान बताया जा रहा है कि टीटी कंपनी 800 उत्पाद के साथ साथ हर आयु वर्ग के लिए गारमेंट मार्केट में उपलब्ध कराती है। साथ ही टीटी कंपनी फाइबर टू फैशन ओरिएंटेड है, जो 36 देशों में गारमेंट एक्सपोर्ट भी करती है। हरदोई जिले में मल्लावा कस्बे के वाजीगंज में एक महिला को चैन स्नेचरों ने अपना शिकार बना लिया, जहां महिला ने चैन खींचकर भाग रहे बाइक सवारों का काफी दूर तक पीछा तो किया और वो अपराधी सीसीटीवी में कैद भी हो गए, जिसके आधार पर पुलिस ने चैन स्नेचरों की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल दिन दहाड़े चैन स्नेचिंग की घटना से अब इलाके में हड़कंप मच गया और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये वही दो चैन स्नेचर है जिन्होंने महिला की चैन चुराई और महिला ने इन दोनों स्नेचर्स का काफी देर तक पीछा भी किया। उसके बाद मान सकते कि हाँ, हमने कपड़ा खरीदा, कब वहाँ से कपड़ा खरीद के फिर अंसारी के लगे में चप्पल लेनी, चप्पल लेकर सीधे चौराहे चले गए।
वहाँ रिक्शा पे चौराहे पे बैठा दिया मम्मी को, कीर्ति जनरेस के सामने वाले रिक्शे वहीं पे खड़ा था और बैठा के वहाँ से चले आए। उसके बाद में यहाँ आए तो ये मिठाई की दुकान नहीं, यहाँ पे नल एक था इसी इधर एक दुकान वहाँ पे वो लगती है ज़्यादातर हल्के, उस पर हमने पपीता खरीदा। फिर हम सीधे घर चले आए, घर आए तो ये पीछे से मेरे घर के पास जब पहुँच आए बिल्कुल गेट पर, तब उस चैन दो आदमी मोटरसाइकिल से आए, चैन खींच चले गए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जिला अस्पताल आगरा का औचक निरीक्षण किया, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि अधीनस्थों को कड़े निर्देश दिए गए हैं, साथ ही आपको ये भी बता दें कि गंदगी और टूटे फूटे प्लास्टर को लेकर डिप्टी सीएम ने नाराजगी भी दिखाई, जिसके साथ ही डिप्टी सीएम ने मरीजों से उन सभी का हाल चाल जाना है। तो ताज नगरी आगरा में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जिला अस्पताल का निरीक्षण करते हुए भी नजर आए हैं। तो वही अब अगली खबर से आपको रूबरू करा दे, जहां कानपुर में आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। तो वहीं राजनीतिक दल अब जनता के बीच अपनी उपलब्धियां गिनाने का भी काम कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली और पंजाब में अपनी सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी अब बूथ स्तर पर अपनी पार्टी को मजबूती देने का काम कर रही है, जिसके चलते पार्टी के प्रेस क्लब में वार्ता के माध्यम से कानपुर नगर के चुनाव प्रभारी वंशराज दुबे ने सभी विधानसभाओं के प्रभारियों को नियुक्त किया है। वही पार्टी का कहना है कि वर्तमान सरकार सिर्फ जनता को बढ़ाने का काम कर रही है, युवा बेरोजगार है, सरकारी दफ्तरों में फैले भ्रष्टाचार से अब जनता पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है। नगर निकाय चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी अपने संगठन को मजबूत कर रही है और इसी के चलते पिछले हफ्ते आम आदमी पार्टी ने 763 निकायों में 633 निकाय प्रभारी बनाने का काम किया है। लगातार कानपुर नगर निगम क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के हमारे पदाधिकारी भ्रमण कर रहे हैं, संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो अपने मुद्दों पे जानी जाती है, को लेकर सभी राजनीतिक दल तैयार हो चुके हैं। भले ही अभी निकाय चुनाव की घोषणा नहीं की गई है, तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सभी पार्टी ने कमर कसते हुए जनता के बीच पहुंचना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी भी अब अलर्ट नजर आ रही है और एक दूसरे पर अब आरोप प्रत्यारोप का खेल भी शुरू हो चुका है। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आगरा के जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि अधीनस्थों को कड़े निर्देश दिए गए हैं, वहीं गंदगी और टूटे फूटे प्लास्टर को लेकर डिप्टी सीएम ने नाराजगी भी दिखाई है। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने मरीजों से उनका हालचाल भी जाना है। गंदगी सफाई को पूरा एक सप्ताह में दुरुस्त करें और हम फिर किसी दिन आएंगे और बाकी चिकित्सीय व्यवस्था अच्छी चले। सर यहाँ पर बहुत सारी कमियाँ, जैसे लिफ्ट आज ही खराब हुई है, उसका फ्लोर पर ऑफिस है और दवाइयाँ प्रॉपरली नहीं मिलती हैं। मैंने अभी कहा है कि दवाइयाँ उपलब्ध रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लिफ्ट जो खराब हुई है, जो मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार संस्था है उसको नोटिस दिया जा रहा, कार्रवाई होगी और हर स्थिति में बेहतर से बेहतर हम चिकित्सीय सुविधा। पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयान देने वाले कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने खेड़ा के खिलाफ दर्ज 3 केस में खेड़ा को लखनऊ ट्रांसफर करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा उन्हें 10 अप्रैल तक गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा भी दी गई है। इस दौरान पवन खेड़ा नियमित जमानत के लिए आवेदन भी कर सकेंगे। आपको बताते चले कि उन्हें पुलिस गिरफ्तार अब नहीं कर सकेगी। पवन खेड़ा पर यूपी असम में पीएम मोदी पर विवादित बयान पर 3 FIR दर्ज की गई है। विवादित बयान देने पर 23 फरवरी को असम पुलिस ने खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार भी कर लिया था। बाद में उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका लगाई थी और कोर्ट ने तब उन्हें 17 मार्च तक गिरफ्तारी से राहत दी थी। खबर अलीगढ़ से है, जहां आम आदमी पार्टी के द्वारा निकाय चुनाव को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। निकाय चुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए आम आदमी के द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी की नियुक्ति भी की गई। वहीं आपको बताते चले कि निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के द्वारा सभी सीटों पर जीत हासिल करने की भी अब बात कही गई है। 90 वार्ड है तो 90 वार्डों के हमने अंदर हमने उन्हें अध्यक्ष बनाए हैं,
पंचायत और पालिका के अंदर हमने प्रभारी बनाए, तो इस तरह से हम लोग कमर कस ली हम लोगों ने निकाय चुनावों को लेकर के। उसी सिलसिले में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। अगले 15 दिन तक ये जो हमने अध्यक्ष और प्रभारी बनाए हैं, अगले 15 दिन तक ये लोग सदस्यता अभियान चलाएंगे, ये लोग लोगों के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे। जिस तरह के यहाँ पे मुद्दे भ्रष्टाचार को लेकर आए दिन उठते रहते हैं, उस पर लोगों को ये जागरूक करेंगे भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर के। और जो हाउस टैक्स है वो आपका हाफ होगा, और वाटर इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश भर की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।